हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज जोन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में प्रीवियस ईयर कंप्यूटर का जीके, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और VBI है, बिकॉज प्रीवियस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS में, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक दो प्रश्न। हाँ, बेसिकली स्टेट में भी बहुत सारे, जैसे झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न पूछा जाता है, दरोगा में भी 20 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, पहला प्रश्न है कि ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखिए बार बार पूछा गया है ना, तो इसे याद हम लोग बिल्कुल रख सकते हैं कि ईमेल जो संदेश के स्टोरेज एरिया या एरिया जो होता है उसे कहते हैं मेल बॉक्स। काफ़ी आसान है, मेल बॉक्स, ठीक है ना। उस फाइल को क्या कहते हैं, है ना, जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो उसे कहते हैं अटैचमेंट, है ना। अटैच करके भेज देते हैं, अटैचमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटालिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो किसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग करना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन में रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस में शामिल होता है, तो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है आपका प्रयोक्ता के नाम, है ना, के बाद में जो डोमेन नाम होता है वैसे भी। इसके बाद है नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोरेज की जाती है, तो इनबॉक्स में की जाती है, तो इनबॉक्स राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपके ईमेल खाते को होस्ट कराने करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, तो ईमेल क्लाइंट कहते हैं ना, ईमेल क्लाइंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट होता है, तो ईमेल अटैचमेंट होता है अटैच करके किसी दूसरे फाइलों का डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, उसी को अटैचमेंट कहते हैं। RBI में पूछा हुआ है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर सकते हैं, फ्रॉम और डेट से, है ना। इसके बाद है ईमेल एड्रेस को याद रखने से बचने के लिए यूज़ करना चाहिए, क्या चाहिए, एड्रेस बुक, बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता है, तो स्पेस नहीं हो सकता है, ऑप्शन और रहेंगे उससे एलिमिनेट हो जाएगा। IBPS PO या RBI में पूछा गया है, कुछ प्रमुख निःशुल्क ईमेल सेवा प्राप्त प्रदाता है आपका हॉटमेल, रेडी फ्रेम, है ना, रेडी मेल, और इसके बाद योहू मेल और फिर जीमेल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है किसी ईमेल एड्रेस से होता है user ID @site तथा ईमेल सेवा प्राप्त का नाम। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, प्रश्न पूछा गया है और सिंपल है, इम्पोर्टेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। CC यानी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल को कार्बन कॉपी को भेजना, है ना, CC यानी कार्बन कॉपी को भेजना, JPSC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, ईमेल है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना कहलाता है, ठीक है ना। ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन उपकरणों का कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी है, क्या चाहिए, माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा, ठीक है ना। इसके बाद दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद करता है, क्या चीज मदद करता है, टेलनेट, ठीक है ना। टेलनेट का अर्थ अगर बेसिकली देखा जाए तो T से टेलीफोन, N से नेटवर्क, यानी टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है ना। इसके बाद ASP का विस्तार पूछा जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के एस्पेक्ट में, तो A for application, S for service और P for provider यानी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट की सेवा जो ऑडियो और वीडियो को वार्तालाप प्रदान करती है कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसमें बात किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद चैटिंग, चैटिंग की बात करेंगे तो एक रियल टाइप कन्वर्सेशन है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, ठीक ना। इसके बाद टेलनेट है, तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। VOIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका विस्तार रूप कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार कहलाता है, तो ई ट्रेडिंग कहलाता है ना।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लोग, है ना। प्रश्न पूछा गया है ब्लॉग दो शब्दों का मेल है और यह प्रश्न पूछा गया है वेब प्लस लोग यानी ब्लॉग दो शब्दों का संयोजन है, ठीक है ना। कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री का या व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है ना। क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है ई लर्निंग। बिल्कुल, क्लासरूम अगर ना जाके इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लॉजिकली और डिजिटल रूप में आप अगर स्टडी या तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे ई लर्निंग कहते हैं, जिसे ई लर्निंग यानी इन द सेंस यानी हुआ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का रूप दिखाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए जो प्रयुक्त करते हैं कीबोर्ड का, वो F11 करते हैं, F11, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा है ईमेल। बिल्कुल, फाइल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एज ए मैसेज के रूप में सेंड करना है, रिसीव करना है, तो ईमेल का प्रयोग करते हैं, सेवा सेवन करते हैं। ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया जा गया है पर भेजा नहीं गया है और नहीं भेजा नहीं गया है, रखते हैं ड्राफ्ट फोल्डर में, ठीक है ना। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो कि लाइव संवाद स्थापित करता है, उसे चैट ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद कहलाता है इंटरनेट टेलीफोन। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल होता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। देखिए, वीडियो मैसेज होता है ना, चित्र संदेश, निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया MPPC3 में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये था कि वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है, तो 30 दिन तक रहता है। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बिल्कुल आसान है। ब्लॉग शब्द का तो वे प्लस लोग इसका कनेक्ट है, मैंने कनेक्शन है एक शब्दों का, ब्लॉग का मतलब होता है वे प्लस लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पूछा हुआ प्रश्न है PPCC क्या है, तो यह एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल्स को कॉपी भेजना। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, तो हॉटमेल है, रैफी मेल है और याहू है, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल में निम्नलिखित दो भागों में अपने आप पूरा कर लेता है, तो वो कर लेता है आपका डेटा, है ना, डेटा यानी फ्रॉम और डेट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनता है, तो ये संभव बनता है आपका ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी, है ना। निम्न से कौन सा ईमेल का पता भाग नहीं हो सकता है, तो इसमें कौन नहीं हो सकता है, स्पेस नहीं हो सकता है, बाकी सभी है, ठीक है ना। ईमेल अटैचमेंट होता है, तो दूसरे प्रोग्राम एक और डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन करना, स्टडी करना तरीका क्या कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं ई लर्निंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिल्कुल आप समझ रहे हैं, व्यापार से संबंधित है इंटरनेट पे, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईमेल का जन्मदाता, तो आर्स टॉमलिंसन को कहा जाता है और ये अमेरिका के वैज्ञानिक साइंसदान थे। आर्स टॉमलिंसन 1971 में किया था ईमेल का आविष्कार, तो हम कह सकते हैं ईमेल का फादर यानी आर्स टॉमलिंसन को। ईमेल है, तो ईमेल बेसिकली क्या चीज़ है, कंप्यूटर के नेटवर्क माध्यम जिसे संदेश फाइलों को एक दूसरे स्थान पर भेजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल चैटिंग है, तो चैटिंग क्या चीज़ है, एक रियल टाइम कन्वेंशन। नेक्स्ट है, ईमेल भेजना समान है पत्र लिखने का समान, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, दूरबीन के प्रयोग का उपयोग करके वीडियो कॉल को परिचालन करना, दूर संचार प्रयोग का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल को परिचालन करना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए रिवीजन के रूप में देखें, फास्ट है बट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप देख लीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।